हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे रेडमी फ़ोन में आप कैसे इनकमिंग कॉल नोट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप कॉल्स वगैरह आपके फ़ोन पे आता है पर कॉल्स आपकी फ़ोन स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है, तो आप कैसे इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और कैसे शो कर सकते हैं इनकमिंग कॉल्स, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास देखने के लिए ऑप्शंस आता है मैनेज ऐप्स, तो मैनेज ऐप्स पर जाना है, फ़ोन ऐप्स को यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो सर्च करते ही फ़ोन आइकन्स आ जाएगा, देखते हैं सिंपली हर कोई भी फ़ोन आइकन्स है उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और स्टोरेज डाटा को आपको क्लियर कर देना है फ़ोन आइकन्स का, सिंपली देख सकते हैं। फिर आपको ऐप परमिशंस पे जाना है, जो भी आपका फ़ोन परमिशन है इसको अलाउ कर देना है और साथ में ही आपका जो नोटिफिकेशन परमिशन है इसको भी ऑन कर देना है, जो भी परमिशन ऑफ है तो उनको अलाउ कर देना है, जिससे आपकी जो भी कॉल्स वगैरह आएगी आपकी फ़ोन स्क्रीन पर शो कर जाएगी। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की परमिशंस वगैरह को अलाउ करके भी आप इनकमिंग कॉल नोट शो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।